how you can't sleep, you pretend though you don't have. हेलो, आई एम नंदिता। हमारे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोवा के वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा के वाटर स्पोर्ट्स की एवरेज प्राइस ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बागा टोल बीच में ही वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय ले, क्योंकि यहाँ पास वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस दूसरे बीचों के मुकाबले कम है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब नाम क्या है और हमें कौन सी राइड करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए जेट स्की और बोट राइड अच्छा रहेगा। जेट स्की वाटर राइड को कहते हैं और बोट राइड में 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं और वो कुछ पॉइंट डिसाइड करते हैं कि वहां तक ले जाएंगे, फिर आप लोगों को वहां से रिटर्न करके लाते हैं। पैरासेलिंग को पैराकिटिंग भी कहते हैं। इसमें एक बोट होती है जो टो करती है, मीन्स खींचती है। जेट स्की एक्चुअली में जेट स्की एक जापानी ब्रांड नेम है। पर्सनल वाटर क्राफ्ट मीन्स इक्विपमेंट बनाती है। रियल में एक वाटर बाइक है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं और स्पीड के साथ चलकर एंजॉय कर सकते हैं। डॉल्फिन ट्रिप, यह एक स्पीड बोट होती है जिसमें ये लोग आप लोगों को एक पॉइंट तक ले जाते हैं और डॉल्फिन दिखाकर ले आते हैं। बनाना राइड, यह एक बनाना की आकार की ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी होती है। इसमें 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। यह छोटे कार की भी होती है, इसमें स्पीड बोट टो करती है, मीन्स तेजी से खींचती है। यह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, आप लोग जरूर ट्राई करना। बोट राइड, यह एक स्मॉल बोट होती है जो एक निश्चित स्थान से शुरू होकर उसी पॉइंट पर वापस आती है। इसमें 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं। बम्पर राइड एक स्पीड बोट होती है। इसमें डोनट की शेप में एक ट्यूब का रैप्ट मीन्स तैरने वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसमें स्पीड बोट इसको खींचती है और इसमें 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको गोवा के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।